इसके बेस पे आप टैली पे कुछ एंट्री करके देखते हैं ना, ये टैली ईआरपी है, ये इसका प्राइम वाला वर्जन था, ठीक है। एंट्री लेवल पे ईआरपी और प्राइम में कोई फर्क नहीं है, एंट्री का फंक्शन वो जो F4, F5, F6 पड़ी है सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेसिंग में फर्दर रिपोर्टिंग वगैरह के लेवल पे जाके कुछ चेंज आता है, एंट्री लेवल पे कोई चेंज नहीं है। देखिए ये टैली की पहली स्क्रीन है, सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रिस्टोर। तो सेलेक्ट कंपनी का मतलब है जो आप अपने अपने आज एक कंपनी क्रिएट कर रही, अब ओवर द ईयर आप उसी कंपनी में काम करोगे। जैसे ये कंपनियां बनी हुई हैं तो ये कंपनियों में जो जिन स्टूडेंट ने बनाई है असाइनमेंट करते रहे हैं, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए बार बार उसी कंपनी को एक्सेस कर रहे हैं। अगर कोई नया टाइप का असेसमेंट असाइनमेंट आएगा तो फिर नई कंपनी बना देते हैं, नहीं अदरवाइज ये कंपनियां चल रही हैं तो इसी में काम हो रहा है। तो रिमोट जैसे आप प्रैक्टिकल में भी काम करोगे तो जिस कंपनी का अकाउंटेंट हो, एक कंपनी को एक बार क्रिएट कर दी टैली में, अब रोज उसी में सुबह आके एंट्री करनी है, तो बार बार एक नई कंपनी तो बनानी नहीं है। तो उस कंपनी सेलेक्ट कंपनी का मतलब जो आप कल कंपनी बना के चले गए हो, अब आज के बाद उसी में एंट्री करनी है। तो सेलेक्ट कंपनी तो उस लिस्ट में से आएगी जो कंपनी आप बना चुके हो। लॉग इन एज रिमोट यूजर क्या होता है, अभी कोविड में सबने देखा रिसेंटली कि बहुत लोगों का वर्क फ्रॉम होम चला, तो जिनका वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप पे बेस पे था डाटा, तो लैपटॉप कैरी करके ले आया, जिनका सर्वर वहां पड़ा है और डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, मेरे मान लीजिए मशीन मेरे देखो डेस्कटॉप पर लगा हुआ है, सर्वर वहीं कहीं और पड़ा हुआ है। अब मैं डेस्कटॉप और सर्वर दो चीज़ तो घर ले जा नहीं सकता, कंपनी सर्वर किसी को नहीं देगी, सर्वर का एक्सेस तो किसी को नहीं मिलता कि तुम सर्वर उठा के घर ले जाओ, इतना एक्सेस तो किसी को नहीं देगी। अब कोविड में लॉकडाउन था तो वर्क फ्रॉम होम था कि कंपनी ऑफिस भी नहीं खोल सकती थी, तो कंपनी ने क्या करा क्लाउड पे ले लिया रिमोट यूजर। एज रिमोट यूजर क्या करा, सबको एक एक रिमोट आइडेंटिटी दी, आप अपने घर से बैठ के टैली का लाइसेंस इंस्टॉल करो, काम करो, स्क्रीन वर्चुअली आप इस स्क्रीन पे काम करो, लेकिन डाटा अल्टीमेटली जाके बैकअप सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है। तो लाइव डाटा सर्वर पे जाके स्टोर हो जा रहा है, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से काम कर रहे हो। ऑफिस में तो अगर चार अकाउंटेंट अलग अलग दिल्ली के अलग अलग कोने से भी आ रहे हैं तो एक जगह बैठ कर एंट्री करें। अब अगर मान लो चार अकाउंटेंट अलग अलग जगह से, चार लोगों को सर्वर कैसे देगा कंपनी, चार लोगों को सर्वर दे नहीं सकती। या कई कंपनियों के बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है ब्रांचेज होती हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में अलग अलग जगह ब्रांच हैं, तो ब्रांच अकाउंटिंग वो क्या कहते हैं, वहीं लोकल में अकाउंटेंट भेज देते हैं, कहते हैं आप अपने ब्रांच लेवल की जितनी एंट्री है आप अकाउंटिंग करते रहो, लेकिन डाटा कहाँ होगा हमारे मेन हेड ऑफिस में, जहाँ भी मेन होगा दिल्ली मुंबई जहाँ भी एक हेड ऑफिस होगा डाटा वहीं जाके सेव होगा। तो सबको एक रिमोट यूजर आईडी दे दी जाती है। बैकअप, आप जब कोई काम कर रहे हो, क्रिएट कंपनी मतलब आपने कोई अकाउंटिंग एंट्री शुरू करनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई आपने असाइनमेंट करना है प्रैक्टिस के लिए, तो क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब है सिंपल, जैसे आप एडमिशन फॉर्म भर के आए हो NIFM में या कहीं पे भी, क्या भरते हो NIFM में, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वही चीज़ें सिंपल, वही क्रिएट फॉर्म कंपनी में भी वही है और कुछ नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर अकाउंटिंग एंटिटी जिसकी आप एंट्री हैं करनी शुरू कर रहे हो, तो ये क्रिएट कंपनी का। बैकअप मीन्स आपने जो कंपनियों में डाटा एंटर कराया है, नाउ दिस डाटा इज सेंसिटिव, अब इंपॉर्टेंट डाटा है, तो आपको टाइम इंटरवल पे बैकअप भी रखना चाहिए, कल को अगर किसी कंपनी में कोई डाटा डिलीट गलती से डिलीट हो जाए, कभी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, कुछ और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आप सारा काम दोबारा नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लो सारी एंट्री एप्पल टू एप्पल दोबारा नहीं हो पाएंगी। कुछ ऐसी एंट्री होती है जिनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ ऐसी एंट्री होती है जिनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते लेकिन आपको याद होती है आपने करी होती है, ठीक है। मान लीजिए आपको कभी पीछे किसी एक डेट में ऐसा हुआ था कि आपके पास ने बोला कि भाई मैं वहां गया था, वहां 10,000 रुपये पेमेंट करके आ गया हूँ, एंट्री कर ले, रसीद नहीं दी है, पार्टी भी एग्रीड है, पेमेंट हो गई है मेरे पास, मैंने भी बोल दिया हाँ पेमेंट हो गई, मैंने उस डेट में एंट्री कर दी। अब अगर मैं वाउचर फाइल ढूंढ के एंट्री करना चाहूंगा तो वाउचर फाइल में तो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं, लेकिन पेमेंट डन है, पार्टी एग्रीड है, उसने अपने आप रिसीट की एंट्री कर ली, मैंने अपने आप पेमेंट की एंट्री कर ली। तो आप बैकअप लेके रखेंगे तो अगर कोई डाटा डिलीट होता है, एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए या किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से डिलीट हो जाए या हार्ड डिस्क क्रैश की वजह से डिलीट हो जाए, तो आपके पास जो लेटेस्ट बैकअप होगा वो रिस्टोर कर दीजिएगा। बैकअप रिस्टोर करने के बाद ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने आज एंट्री करी थी लास्ट 30 तारीख को 4 बजे आपने लास्ट एंट्री करी और कल सुबह देखा तो कुछ हो गया गड़बड़, डाटा चल नहीं रहा, अब आपके पास डाटा है 3 महीने पुराना रिस्टोर करा, तो 3 महीने पुराना ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद की कोई एंट्री नहीं मिलेगी। आप सोचो कि कल कल की एंट्री उड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। आप जिस पाथ में ले जाना है, जहां आपको बैकअप लेना है, ये सोर्स पाथ है जहां से डाटा उठ रहा है, ये डेस्टिनेशन पाथ है, जहां आपको ले जाना है वहां ले जाओ, आपको पेन ड्राइव में लेना है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे लेना है, किसी भी लेना है वहां ले जाओ, आपको इसी सिस्टम में किसी और ड्राइव पे लेना है वहां ले जाओ, ये किस कंपनी का बैकअप लेना है ये बैकअप चला जाएगा। कहां जाएगा आपकी बार, ये ई ड्राइव पे, आप पेन ड्राइव ला लीजिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लीजिए, तो वहां चला जाएगा बैकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बैकअप चलाया, अब बैकअप की मतलब बैकअप तो ले रखा था, अब आपको बैकअप की जरूरत पड़ गई, तो बैकअप डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता, बैकअप को रिस्टोर कराना पड़ता है।
आप रीस्टोर कराएंगे तो बैकअप रीस्टोर होगा, जहाँ आपने बैकअप स्टोर किया था वहाँ पर से आपको बैकअप रीस्टोर करना पड़ेगा, तब वो डाटा एक्सेसिबल होगा। ये दो कंपनियों का बैकअप है मेरे पास, तो इनका रिस्टोर करूंगा बैकअप तो रिस्टोर चल जाएगा, जैसे नॉर्मल चलती है चलती है। तो बैकअप डायरेक्ट नहीं चलता, बैकअप को रिस्टोर के थ्रू चलते हैं। टैली का डाटा उठाने का दूसरा तरीका भी है, कॉपी पेस्ट भी है। कॉपी पेस्ट वहाँ से होगा जहाँ ये फोल्डर में डाटा सेव है, बैकअप यहीं से डायरेक्ट होगा टैली चलाते चलाते कर सकते। कॉपी पेस्ट में डाटा पूरा इन्फ्लेटेड फॉर्म पे होता है, लेकिन जब आप बैकअप करते हो तो जिप फॉर्म पे होता है, बाय डिफॉल्ट जिप कर लेता है, उसका फाइल साइज कम कर देता है। मान लीजिए आपको कहीं भेजना है कोई डाटा, अपने ऑडिटर को भेजना है, अपने किसी दूसरी ब्रांच को भेजना है, तो आप जब बैकअप के थ्रू भेजोगे फिर आपको जिप करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जिप्ड है। लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट करा होगा तो पहले उसे जिप करना पड़ेगा। क्यों? कॉपी पेस्ट जब आप मेल भेजते हो, मेल फोल्डर मेल पे नहीं जाता, फोल्डर मेल पे जाता है, फाइल्स जाती है फोल्डर नहीं जाता। फोल्डर को जब तक जिप नहीं करोगे तब तक मेल नहीं होगा, तो आपको दो बार काम करना पड़ेगा, पहले डाटा कॉपी करा फिर उसे जिप बनाओगे तब पेस्ट तब भेजोगे। ये डायरेक्टली अगर बैकअप भेजोगे तो जिप्ड फॉर्म में आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी पहली स्क्रीन, ठीक है। अब मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, ये कंपनी का नाम है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये है नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पर जो नाम लिखा है और जो यहाँ पर आ रहा है मेलिंग एड्रेस में, ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग इन द सेंस कि आप जो यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखना चाहा कि 4 से 6 या फाइनेंशियल ईयर है, या दिल्ली ब्रांच है, हरियाणा ब्रांच है, गुड़गांव ब्रांच है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया। जो नाम यहाँ पर आ रहा है वो नाम मेरे को लिस्ट में दिखेगा, जब मैं सिलेक्ट कंपनी की लिस्ट में जाऊँगा तो मेरे को यहाँ दिखेगा वो, ठीक है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट तो TTS इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से तो होगी, TTS इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड 4 से 6 से तो कंपनी बनी नहीं होगी, कंपनी इस नाम से कोई बनी होगी, TTS इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड 4 बजे से 6 बजे, 4 से 6 ऐसा तो कंपनी का नाम इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। और जब मैं बिल प्रिंट करूंगा, वाउचर प्रिंट करूंगा, तो बिलों पर सब पे ये जाएगा TTS इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड 4 से 6 है ना, 0406 जाएगा, तो जो अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेलिंग एड्रेस है, जो मेलिंग नेम है वो मेरे स्टेशनरी पे प्रिंट होगा, जो ऊपर वाला नाम है वो मेरी लिस्ट ऑफ कंपनीज में दिखेगा मुझे। अगर मुझे लिस्ट ऑफ कंपनी में देखना है तो ऊपर वाला नाम दिखेगा, और जो स्टेशनरी में प्रिंट होना है तो ये होगा। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेट, ये पिन कोड नंबर, जब से GST आया ना तब से स्टेट और पिन कोड नंबर की इंपॉर्टेंस आ गई है। वैसे तो मेरे को नॉर्मली भी जब मुझे अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है तो मुझे पूरा डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंपनी के जितनी भी स्टेशनरी जाएगी उस पर एड्रेस कहाँ से चाहिए, किसी को अगर मेरे कस्टमर को कोई एड्रेस चाहिए तो यहीं से उठाएगा ना, मेरे सेल बिल से, मेरे वाउचर से, डेबिट नोट से, वहीं से उठाएगा। तो पहले भी हम डालते थे, हाँ बचा, अगर टैली में उन्होंने पिन कोड नंबर नहीं डाल रखा तो इसका मतलब वो ई वे बिल का, अगर कोई माल आता है तो ई वे बिल वो मैनुअल बनाते हैं, ऑटोमेटिक टैली से ई वे बिल नहीं बनाते हैं। जब हम GST सीखेंगे, GST की इनवॉइसिंग सीखेंगे, तो GST की इनवॉइसिंग की जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं उसी से ई वे बिल के लिए एक फाइल जनरेट होती है, जिसे हम ई वे बिल के पोर्टल में जाके पॉपअप कर देते हैं, प्लग इन कर देते हैं, और मेरा ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेट हो जाता है, वहाँ जाके मुझे मैनुअल कोई काम नहीं करना पड़ता। पिन कोड नंबर क्यों चाहिए? ई वे बिल 2 पिन कोड नंबर के बीच का डिस्टेंस मांगता है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मांगता है कि मेरे को यहाँ से हरियाणा जाना है 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, डिपेंडिंग ऑन द पिन कोड नंबर। तो 5-10% का वेरियंस तो अलाउड है, लेकिन अगर आप यहाँ पिन कोड नंबर नहीं डाल रहे हो उसका मतलब आप किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं बता पा रहे हो, तो किलोमीटर का डिस्टेंस तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए 2 पिन कोड नंबर, आपका पिन कोड नंबर और उनका पिन कोड नंबर चाहिए। अगर वो अपना पिन कोड नंबर टैली में नहीं डाल रहे हैं तो उसका मतलब जब ई वे बिल की बारी आती है तो ई वे बिल पोर्टल पर जाकर डायरेक्ट बनाते हैं, वो इस वाउचर एंट्री से नहीं बनाते। ये फाइनेंशियल ईयर आपका कहाँ से चालू हो रहा है, बुक्स कहाँ से चालू हो रही है, ये दोनों सेम भी रख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अलग अलग रखनी है तो फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के किसी डेट बाद की डेट में ही बुक्स चालू होंगी। मान लीजिए आपने आज 30 जून से कोई कंपनी चालू करी तो दोनों की डेट सेम भी रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 जून से पहले आपके पास अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो आप उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी डेट को आगे पीछे करने का। सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह पे बाद में आएंगे, और नीचे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कंपनी मेरी बन के आ गई, दिस इज द गेटवे ऑफ टैली एंड सेइंग नो वाउचर एंटर्ड, वाउचर तो एंटर है नहीं अभी, अभी पहली बार एंटर काम कर रहे हैं। ये गेटवे ऑफ टैली का है, ये कहता है मास्टर्स, मास्टर्स का मतलब है अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है। अकाउंट्स इन्फो का मतलब है आपने लीजिए आज से पहले आप किसी और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, अब आपने 31 मार्च 22 की बुक्स फाइनल कर दी हैं, 1 अप्रैल 22 से आप चाहते हो कि टैली में काम करना है,
या आपने 31 मार्च 22 तक जो बुक्स बनाई थी, बनाई तो टैली में थी, लेकिन 1 अप्रैल 22 से आप नई कंपनी बनाना चाहते हो कि उसमें बहुत पुराने पुराने क्लाइंट हैं, बहुत पुराने पुराने लेजर हैं, वेट के सर्विस टैक्स के कई सारे लेजर पड़े हैं जिनका अब यूज नहीं होता, तो मैं बार बार एक एक लेजर को ढूंढ के डिलीट करूँ, और डिलीट मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर में कभी एंट्री हो रखी है। अगर टैली में आज से 5 साल का मान लीजिए कंटिन्यूस कंपनी चल रही है और 5 साल पहले भी एक 50 पैसे की एंट्री पड़ी थी, तो वो एंट्री डिलीट नहीं होगी, वो लेजर डिलीट नहीं हो सकता जब तक वो 5 साल पहले जाके 50 पैसे की एंट्री डिलीट करके नहीं हुए, तो लेजर डिलीट हो नहीं रहे और ट्रांजैक्शन अब उनमें हो नहीं रही है। सर्विस टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, और वैट, जब से जीएसटी आ गया तो 5 साल हो गए जीएसटी को भी और वैट को गए हुए और सर्विस टैक्स को गए हुए, तो लेकिन जो मेरी कंटिन्यूस डाटा ऑफ द कंपनी चला रहा है उसमें वैट और सर्विस टैक्स का लेजर अभी भी दिखता है मुझे, तो अब क्या करूं, मैं हटा सकता नहीं क्योंकि उसमें पुराने दिन पे तो एंट्रियां हो रखी हैं, लेजर डिलीट करेगा नहीं टैली। वाउचर एंट्री डिलीट मैं नहीं कर सकता क्योंकि वाउचर ने उस साल में वो एंट्री रेलेवेंट है, तो मैं कहता हूँ मैं एक नई कंपनी बना लूँ जिसमें करंट में जितने लेजर आएंगे वो क्रिएट करता रहूँ, ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगा, जो मेरे बैलेंस शीट में डेटर्स क्रेडिटर्स फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनके ओपनिंग बैलेंस में डाल दूंगा और करंट की एंट्री करूंगा ताकि बिल्कुल फ्रेश डाटा मिले, पुराना कोई लिंकेज ही खत्म हो जाए। ओपनिंग बैलेंस तो मुझे डालने पड़ेंगे, बैलेंस तो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तो जब मैं बैलेंस शीट फॉरवर्ड करूंगा तो मेरे को यहाँ मास्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। मास्टर का मतलब है लेजर ग्रुप कुछ भी, है ना, लेजर ग्रुप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब पहले मैं लेजर ग्रुप क्रिएट करा, लेजर क्रिएट का मतलब मान लीजिए मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट। अब ये पूछ रहा है 1 अप्रैल 22 को कैपिटल का बैलेंस कितना था, क्योंकि आप 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट को फॉरवर्ड कर रहे हो तो 1 अप्रैल 22 को बैलेंस पूछेगा, ऐसे डेटर के क्रेडिटर के एसेट्स के सबका बैलेंस पूछेगा। तो अब सबके बैलेंस आप कहाँ से डाल सकते हो, मास्टर में, अकाउंटिंग इन्फो में आए, लेजर में गए, लेजर क्रिएट करा, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, ये ग्रुप की लिस्ट है, इस लिस्ट में से आपको ग्रुप सिलेक्ट करनी है, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, ये बाय डिफॉल्ट टैली ने दिए हुए, मास्टर्स वो नहीं दे सकता, लेजर के मास्टर नहीं दे सकता क्योंकि आपके क्लाइंट अलग होंगे, इनके क्लाइंट अलग होंगे, इनके क्लाइंट होंगे, एनआईएफएम के क्लाइंट अलग हैं और सबके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट अलग हैं। तो एनआईएफएम मतलब टैली अगर चाहे भी तो दुनिया के सारे लोगों का सारी कंपनियों का नाम डाल सकता है, अगर वो चाहे सारी कंपनी सारे लोगों का नाम डाल दे तो जिस दिन आपने लाइसेंस लिया है टैली में स्टार्ट करा उसके बाद भी रोज नई कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, है ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जो चीज वॉलेटाइल है वो टैली नहीं डाल सकता, इसलिए जो चीज फ्रीज्ड है वो डालेंगे है। ग्रुप फिक्स है, ग्रुप तो यही होता है इतने ग्रुप से बाहर कंपनी जाएगी नहीं, टैली की अकाउंटिंग जाएगी नहीं, तो ये अकाउंटिंग के ग्रुप फिक्स है, ये उसने डाल रखे हैं। अब आपको कैपिटल है, डेटर है, क्रेडिटर है, आप इस लिस्ट में से पिक करोगे, डेटर है, क्रेडिटर है, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है वो आप यहाँ से, लाइबिलिटीज है, तो यहाँ से सिलेक्ट करते जाइए, ग्रुप बनाते जाइए, 1 अप्रैल 22 का ओपनिंग बैलेंस यहाँ फॉरवर्ड करते जाइए, डेबिट क्रेडिट जो बैलेंस है वो आप डाल दीजिए। टैली को इतना स्मार्ट इनफ बनाया हुआ है कि जैसे आप कैपिटल का बैलेंस डालोगे ना तो कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट होता है, ऑटोमेटिक क्रेडिट ले लिया, ठीक है ना। तो टैली को इस हिसाब से इक्विप किया गया है कि ऑटोमेटिक क्रेडिट होता है। मान लीजिए इस पिछले साल में इसका लॉस हुआ था, लॉस होने की वजह से कैपिटल इरोड हो गई, तो जब कैपिटल इरोड हो गई तो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा, तो अब आपको ये डेबिट मैनुअल करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको नेचुरल ट्रांजेक्शन की जगह कुछ और हुआ, इनवर्स हुआ है किसी स्पेशल इंसिडेंट की वजह से, तो आपको ये मैनुअल डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज टैली को पता है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्रेडिट करेगा। डेटर्स का बैलेंस कैसा होता है बाय डिफॉल्ट, डेटर्स का डेबिट होता है आगे ऑटोमेटिक डेबिट। तो टैली को उसकी उतनी अकाउंटिंग उन्होंने पढ़ा रखी है कि एसेट्स के बाय डिफॉल्ट बैलेंस डेबिट होंगे, लाइबिलिटी के बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्रेडिट होंगे, वो आपको डेबिट क्रेडिट की टेक केयर करनी जरूरी है। लेकिन मान लीजिए किसी डेटर ने आपको एडवांस दे दिया, जब उसका एडवांस पैसा आ गया तो बैलेंस कैसा हो जाएगा, उसका क्रेडिट हो जाएगा, वो डेटर तो है लेकिन बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट खुद लिखना पड़ेगा।